गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पूर्वांचल विद्युत वितरण मंडल गाजीपुर के अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह के निर्देशन में विभिन्न जगह उपभोक्ता सेवा शिविर कैंप का आयोजन किया गया। जिले के सभी उपकेंद्रों पर उपभोक्ता शिविर में विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर 1000 उपभोक्ता पहुंचे। इसमें से 215 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 100 लोगों को नया कनेक्शन दिया गया तथा 67 लोगों का मीटर संबंधित मामले का निस्तारण करने के साथ ही 385 लोगों का केबल फॉल्ट लाइन फैक्चुअल संबंधित शिकायतों को विस्तार पूर्वक सुनकर मौके पर निवारण किया गया। इसके साथ ही नगर के मिश्र बाजार कोतवाली के सामने बिजली चेकिंग की गई। इस दौरान अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर 10 उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत चोरी में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि जितने लोगों का विद्युत बकाया है उसको तत्काल जमा कर दें, मीटर बाईपास पर बिजली नजर आए, अन्यथा बिजली रेड में पकड़े जाने पर विभागीय कार्रवाई के साथ ही विद्युत चोरी की संगीन धाराओं में चालान किया जाएगा। यातायात माह के तहत रविवार की सुबह नगर के आदर्श इंटर कॉलेज से छात्रों को यातायात प्रशिक्षण देने के बाद यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग स्काउट कैडेट और पुलिसकर्मी यातायात नियम के स्लोगन लिखी तख्तियां और राहगीरों में यातायात नियम लिखे पैम्फलेट का वितरण और मौखिक यातायात के प्रति जागरूक करते हुए चल रहे हैं। आदर्श इंटर कॉलेज के प्रारंभ में जागरूकता रैली महुआबाग महिला डिग्री कॉलेज सदर कोतवाली मिश्र बाजार विश्वेश्वरगंज लंका होते हुए निकली। इस दौरान यातायात प्रभारी प्रवीण यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस लोगों में यातायात के नियम लिखे पंप का वितरण करते हुए चल रहे थे। इसके साथ ही लोगों को मौखिक भी यातायात नियमों से अवगत कराया जा रहा था। रैली निकालने से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, वाहन चलाते समय नियमों और चिन्हों तथा संकेतों का प्रयोग करने के साथ ही यातायात के अन्य नियमों से लोगों को अवगत कराया। कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें और दो पहिया वाहन पर 3 सवारी ना चलें। खास तौर पर श्री यादव ने लोगों से अपील की कि सर सलामत सब सलामत, इसलिए हेलमेट अवश्य लगाएं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समारोह पार्टी कार्यालय समता भवन पर जिलाध्यक्ष रामधारी यादव की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष एवं जंगीपुर विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव ने केक काट कर पार्टी मुखिया को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। सभी कार्यकर्ताओं ने 2022 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव ने मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव का नाम भारतीय राजनीति में आज एक अलग ही पहचान रखता है। ये पहचान एक ऐसे शख्स के रूप में है जिसने देश की राजनीतिक सोच को एक नया अर्थ दिया है। इस मौके पर पूर्व सांसद राधामोहन सिंह, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री जय किशन साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, डॉक्टर ननकू यादव, सिकंदर कनौजिया, राजकिशोर यादव, गोपाल यादव आदि मौजूद रहे। बीते दिनों सोहवल थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ही सोनवल गांव निवासी राजपूत बिरादरी के 6 युवकों के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई से आक्रोशित अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह अपने दर्जनों समर्थकों संग थाने पर धमक पड़े। की गई कार्रवाई को अविलंब वापस लेने की जिद पर अड़ गए। मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक बिंद कुमार ने लोगों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ करेंगे। इस पर लोग ये चेतावनी देते थाने से लौट गए कि अगर एक सप्ताह के अंदर की गई कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो वो अपने साथियों संग थाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष रेवतीपुर मनीष सिंह, नवीन सिंह, चंदू सिंह, चंद्रभान सिंह, सोनू सिंह, रोहित सिंह, निकेश सिंह आदि मौजूद रहे। गोपाष्टमी के अवसर पर गो पूजन समारोह आरटीआई विकास भवन स्थित बनाए गए अस्थाई गो आश्रय स्थल पर आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी एमपी सिंह एवं नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने गौ माता का पूजन अर्चन एवं माल्यार्पण कर देसी गुड़ खिलाया। तत्पश्चात उन्होंने गो आश्रय स्थल का निरीक्षण भी किया। मौके पर 35 पशु गौशाला में मौजूद थे। जिलाधिकारी ने संबंधितों से उनके चारा पानी तथा बीमार पशुओं के इलाज की जानकारी ली। गो आश्रय स्थल परिसर में जल जमाव एवं साफ सफाई का अभाव देख जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जल जमाव वाले स्थान पर मिट्टी डालकर पाटने तथा पश्चिमी छोर पर पुराने व निष्प्रयोज्य भवनों एवं दीवारों को जेसीबी लगाकर तोड़ते हुए परिसर को सपाट एवं समतल कराते हुए साफ सफाई कराने का ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया। इस अवसर पर पशु चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार सिंह, तहसीलदार मुकेश सिंह के साथ अन्य चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद थे।
उधर नगर पंचायत दिलदार नगर में स्थित गौशाला में रविवार को उप जिलाधिकारी सेवराई रमेश मौर्य ने गोपाष्टमी के मौके पर गायों को नहला धुलवा कर पूजन अर्चन किया। चंदन रोली का तिलक लगाकर पुष्प अक्षत माल्यार्पण किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष अविनाश जायसवाल, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार पांडे, SBM गौतम बुद्ध आदि मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।